हम सभी अक्सर कभी ना कभी छुट्टी मनाने के लिए घूमने जाते हैं तो हमें होटल में ठहरना पड़ता है और आलीशान चमक देख दंग भी रह जाते हैं। कभी कभी हमारी मजबूरी में भी होटल में ठहरना पड़ता है। जितना आलीशान होटल रहता है उसकी रेंट भी उतनी ही ज्यादा होती है। होटल की सर्विस और बाहर की साफ सफाई या उसकी चमक को देख आपको लगता है कि आपने सही होटल का चुनाव किया है। आज हम आपको होटल के कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप कभी भी होटल में रुक से पहले जरूर सोचेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हालांकि सभी होटल वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होटल में कमरे में हिडन कैमरे लगे होते हैं। ऐसे में जब प्रेमी जोड़े इन कमरों में रोमांस करते हैं तो उसका MMS बन जाता है। होटल वाले इस वीडियो क्लिप को बाद में भेज देते हैं। ऐसे में आप जब भी कभी किसी होटल में रुके और कोई पर्सनल काम करे तो पहले कमरे को अच्छे से चेक कर ले कि कहीं कैमरा तो नहीं छिपा है। होटल में जब भी रूम बुक करवाना हो तो दोपहर में ही करवाना चाहिए। इस समय आपको कम रेंट में रूम मिल जाता है। इसका कारण यह है कि सुबह नए कस्टमर आने की संभावना होती है और रात में आपके पास कहीं और रुकने के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते है। होटल में जब भी हम रात को रुकते हैं तो वहाँ के मुलायम बिछावने और सॉफ्ट कंबल को देखकर होश उड़ जाते हैं। लेकिन कभी सोचते हैं इन कमरों में अब तक ना जाने कितने लोग रुक चुके हैं जो इन रजाई गद्दों पर तरह तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे में होटल में रखे गए रजाई गद्दे कई तरह के कीटाणुओं से भरे होते हैं। इन्हें होटल का स्टाफ कई हफ्तों में एक बार भी धोता है। यदि आप होटल वालों से इन्हें बदलने की गुजारिश करेंगे तो दूसरे कमरे में रखे रजाई लाकर बिछा देते हैं। बड़े बड़े होटल में कभी भी कांच के ग्लास को पानी से साफ नहीं किया जाता है। वे लोग बस फर्नीचर साफ करने वाले स्प्रे से ग्लास को पोंछ देते हैं। इस तरह उन ग्लास में अच्छी चमक आ जाती है। लेकिन इस रसायन वाले स्प्रे से पोंछा गया ग्लास से पानी पिया जाता है तो ये आपको सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार तो जब आप वेटर को टिप नहीं देते हैं तो वो बदला लेने के लिए बाथरूम के पानी से ग्लास धो देता है। होटल वाले कभी भी सुरक्षा गार्ड पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए गेट पर एक दो लोगों को बिठा देते हैं। ऐसे में अपने सामान की सुरक्षा का ख्याल आपको ही रखना होता है।